हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 128 उसकी 5 आयत में लिखा है, यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसमें बोया गया कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुझे सियोन में से आशीष देगा, क्योंकि सियोन वह पर्वत था जिस पर से परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी। सियोन वह जगह थी जहां परमेश्वर ने अपने वचन दिए थे। बाइबल में लिखा है कि यह तब होगा जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे। जब आपके जीवन में परमेश्वर का डर आए तो समझ लेना कि आप बढ़ने जा रहे हैं, और जब आपके जीवन से परमेश्वर का डर खत्म हो जाए तो यह निशानी है कि शैतान आपको गिराने वाला है। लिखा है कि अगर 10 किलो आटे में 3 किलो खमीर मिला दिया जाए तो वह पूरा आटा खमीर हो जाता है। जब आपका डर खत्म हो जाता है और आप थोड़ा थोड़ा पाप में जाना शुरू कर देते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के बाहर हो जाते हैं, और एक छोटी सी बुराई बड़े व्यक्ति को खत्म कर देती है। पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनको आशीष दूंगा, वह अपनी कमाई को खाने पाएगा, उसके फल कच्चे नहीं झड़ेंगे, वह जो भी काम करेगा मैं उसको फलवंत करूंगा, क्योंकि वह मेरा भय मानता है और हर एक वचन उसके दिल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए मसा किया था, लेकिन उसका एक ही दुश्मन था और वह था शाऊल, जो कि उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने शाऊल को उसके सामने कर दिया, और दाऊद उस समय उसको मार सकता था और राजगद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय था, इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर उसका न्याय करे, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने कामों को मुझ पर डाल दे, तब मैं तेरी सारी कल्पनाओं को सिद्ध कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी सोच को बना दूंगा, जो कुछ भी तू सोचेगा मैं उस सोच को सिद्ध करूंगा। इसलिए दाऊद ने अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दिया और किसी भी बात की चिंता नहीं की, और एक दिन परमेश्वर ने उसे पूरे इसराइल का राजा बनाया। इसलिए अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित और ऊंचा करेंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सरल शक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर, अपने सोच और विचार मेरे अंदर डाल, ताकि मैं सिर्फ आपकी सेवा कर सकूं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।